हेलो भाई, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैवी वेट डिवीजन का आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है UFC के अंदर, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हबीब ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस्लाम मकाशेव की अगली फाइट के बारे में क्या प्रेडिक्शन दी है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर UFC का ऐसा ही कॉन्टेंट आपको हिंदी में देखना पसंद है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं UFC का जो हैवी वेट डिवीजन था। अभी कुछ दिनों पहले ही UFC पेरिस का इवेंट खत्म हुआ, जहां पर तक मैंने आप सबको प्रेडिक्शन करके बताया था कि सिरिल गान इस फाइट को जीत जाए। आप सबको ये भी बताया था कि सर्गे स्पिवाक की जो ये फाइट है सिरिल गान के साथ, ये काइंड ऑफ मिसमैच है और यहाँ पर काफी बुरी तरीके से डोमिनेट भी कर सकता है सिरिल गान, जो कि हमने देखा सर्गे स्पिवाक को पूरी तरीके से डोमिनेट करा और वापस से एक टाइटल कंटेंशन तो नहीं कह सकते हैं, बट वापस से एक विन कॉलम में तो डेफिनेटली डाल दिया है सिरिल गान ने अपने आप को। और अब टाइटल की बातें वो कर रहा है, वो काफी स्मार्ट फाइटर है, वो इंटरव्यूज वगैरह में टाइटल की भी बातें करेगा। सी के हैवी वेट डिवीजन में प्राइमरली तीन फाइटर्स ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट टाइटल कंटेंशन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले सर्गे पावलोविच, फिर सिरिल गान और टॉम एस्पिनल। ये पर्सनली अगर आप सब मेरा ओपिनियन यहां पर माने तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा टेस्टेड अगर कोई फाइटर है तो वो सिरिल गान है, उसके बाद है सर्गे पावलोविच, और फिर सबसे लीस्ट टेस्टेड जो फाइटर है वो यहां पर टॉम एस्पिनल। टॉम एस्पिनल की टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रखी है। मैं इसको काइंड ऑफ मानूंगा, अगर इन तीनों को रैंक करना होगा तो मैं सिरिल गान को रैंक करूंगा, सर्गे पावलोविच और फिर टॉम एस्पिनल को। और भाइयों मैं पर्सनली चाहता हूं कि इनकी आपस में क्रॉस मैचिंग कराई जाए, इनकी फाइट्स हो आपस के अंदर, और मैं देखना चाहूंगा स्पेशली सर्गे पावलोविच वर्सेस सिरिल गान की फाइट तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। अगर आप इसको स्टाइलिस्टिकली देखो, आप अगर फॉलो करते हो UFC को, एक हार्डकोर MMA फैन के लिए काफी इंटरेस्टिंग मैचअप है। सिमिलरली टॉम एस्पिनल वर्सेस सर्गे पावलोविच भी अच्छा मैचअप हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर्गे पावलोविच इजिली क्लिप कर सकता है टॉम एस्पिनल को, काफी ओपनिंग्स छोड़ देता है अपनी गेम में। ये जो पिक्चर है ये क्लियर तभी होगी जब UFC 295 का रिजल्ट आएगा, उसमें जॉन जोन सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते स्टीपे के अगेंस्ट, और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं लेते, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही है यहाँ पर। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन नेक्स्ट टाइटल कंटेंशन के लिए आगे आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से एक क्रॉस मैच तो जरूर होगा और उसके बाद ही कोई एक नंबर वन कंटेंडर निकल के आएगा, क्योंकि क्लियरली मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्टली सर्गे पावलोविच को यहाँ पर फाइट दे दी जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर्गे पावलोविच को यहाँ पर टाइटल पिक्चर में डाल दिया जाए और सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट करा के जो जीतेगा उसको फिर टाइटल दे दिया जाए, अगर जॉन जोन्स यहाँ पर डिवीजन को लीव कर देते हैं तो। बाकी भाइयों आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपको इन तीनों में से सबसे बढ़िया फाइटर कौन सा लगता है। तो रही बात UFC 295 की, अब बात करते हैं यहां पर इस साल के सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट UFC 294 की, और उसके मेन इवेंट में फाइट होने वाली है इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच। भाई आप सब में से मोस्टली लोगों को तो ये पता ही होगा कि इस्लाम महाचेव यहां पर हबीब के ही टीममेट है, जो कि लाइटवेट डिवीजन में फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं, वन ऑफ द गोट्स माने जाते हैं लाइटवेट डिवीजन के। और भाई ये चीजें छुपी नहीं है कि इस्लाम महाचेव जो आज चैंपियन बने उसमें बहुत बड़ा हाथ हबीब के ही गाइडेंस का है, हबीब की ही कोचिंग का है। तो हबीब से ये क्वेश्चन पूछा गया अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में कि क्या हबीब को लगता है कि ये फाइट इजी जा सकती है या कैसा उनका ओपिनियन है इस फाइट के ऊपर। तो हबीब ने काफी शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया है। तो हबीब का ये कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जो ये रीमैच होने वाला है, इस बार इस्लाम मकाशेव के लिए एक टफ फाइट है, और इसके पीछे उनकी रीजनिंग ये है कि पिछली बार बहुत ईजी तरीके से फाइट कर ली थी और काफी एक काइंड ऑफ रन थ्रू कर दिया था चार्ल्स ओलिवेरा को और इजिली चैंपियनशिप जीत ली थी, बट यहां पर इस बार चैंपियन खुद इस्लाम मकाशेव होने वाले हैं और उनकी फाइट होने वाली है एक चैलेंजर चार्ल्स ओलिवेरा से। एक चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा और एक चैलेंजर चार्ल्स ओलिवेरा में बहुत डिफरेंस होने वाला है। ऑब्वियसली मैंने भी देखा है, इस चीज को नोटिस करा है कि चैलेंजर्स यूजुअली बहुत ही फियर्सली फाइट करते हैं, क्योंकि चैलेंजर के पास कुछ भी खोने को नहीं होता है। और सेम चीज यहां पर हबीब ने भी बोली है, उन्होंने यही बोला है कि चार्ल्स ओलिवेरा इस बार एक बहुत ही अलग एटीट्यूड के साथ आएगा, बहुत ही अलग गेम प्लान रहने वाला है, और साथ ही साथ उसके पास भी यहां पर कुछ खोने के लिए नहीं है, उसके पास एक प्रोबेबली लास्ट चांस ही होगा इस्लाम मकाशेव को फाइट करने का, जिसमें उसकी मेंटेलिटी बहुत अलग तरीके से आएगी और वो एक काइंड ऑफ जो प्रेशर फील कर रहा था लास्ट टाइम चैंपियनशिप प्रेशर जो होता है वो इस बार वो फील नहीं करने वाला है। इनफैक्ट जो चैंपियनशिप और होम ग्राउंड प्रेशर होगा वो इस्लाम महाचेव पर ही होगा। भाई मेरा भी इसमें पर्सनल ओपिनियन यही है कि इस फाइट को इस्लाम महाचेव की जो टीम है वो पिछली फाइट से कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर फाइट एक डिफरेंट फाइट होती है। जरूरी नहीं है एक साल पहले चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट हुआ था तो इस बार भी वो डोमिनेट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा, एक बिल्कुल फ्रेश फाइट की तरफ से प्रिपेयर करना होगा। ऑब्वियसली एक मेंटल एडवांटेज इस्लाम महाचेव पे जरूर होगा कि उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया है, बट फाइट के अंदर उनको सारी चीजों को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। एडवर्सिटीज भी झेलनी पड़ सकती है फाइट के अंदर, क्योंकि एक MMA फाइट है, इसके अंदर कोई भी जीत सकता है किसी भी टाइम पे, दो इंसान फाइट कर रहे हैं यहां पर। कि भाई आप सबको टाइमिंग का बताऊं तो सिर्फ 48 डेज ही बच रखे हैं इस इवेंट के लिए, जो कि सोच के काफी ज्यादा लगता है, बट एक्चुअली में ये टाइम कब निकल जाएगा, बीच में कुछ और इवेंट्स भी आने वाले UFC के तो हमको पता भी नहीं चलेगा। पर्सनली भाई इस बार बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए, इस इवेंट को देखने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड इवेंट है, काफी ज्यादा
हाइप इसकी ऑलरेडी से बन रखी है, तो डेफिनेटली इसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप सब अपना ओपिनियन और अपने प्रेडिक्शंस अभी से ही नीचे कमेंट सेक्शन में डालना स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।